चल रहे, खड़े हो, चल भीतर। अरे भीतर की धरा है, आज मैं तुझे इंजेक्शन लगाना सिखाऊंगा। क्या तो ठीक रहा? चल चला, आजा, लेट जा। क्यों? अरे मैं तेरा इंजेक्शन लगाऊंगा और तू देखिए। ऐसे बड़ा होता होगा कहीं? जब तन्नस मरीज इंजेक्शन लगाया तो देखा तो था मन ने। हाँ, ऐसे देखने से थोड़ा ही आवे इंजेक्शन लगाना, इतना आसान मान रहा के। लौट जा। और कैसा आवगा? जब तक इंजेक्शन तेरे नहीं लगेगा और तेनू पता नहीं चलेगा सुई कितनी भीतर जा रही है, तब तक नहीं आने का इंजेक्शन लगाना। ओ भैया, मैं ऐसे सीख लूंगा, ठीक है ना? मुझे ना लगवाना इंजेक्शन। अरे ऐसा कैसे सीख लेगा? अरे ऐसे कैसे सीख लेगा? मेरे बापू ने मुझे इसी दाल इंजेक्शन लगाना सिखाया, लगा के छोड़ दिया। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। अजी आप कैसा आना हुआ? दीदी की तबीयत खराब है, देख लो ना क्या हो रहा है इनका। अच्छा आओ जी बैठो। लगे इसको, हाँ जीभ के नीचे। इंजेक्शन तो जरूर लगा के छोड़ दूंगा, इसे बड़ा इंजेक्शन बाज बनाऊंगा मैं। दिखाइए। ओहो, बुखार तो है आपको, खांसी वगैरह तो नहीं? नहीं जी। मैं भी आपको दवाई दे देता हूँ, अगर फिर भी आराम ना हो या ठंड लगे तो फिर इंजेक्शन देना होगा। जी ठीक है। ये लीजिए दवाई। जी पैसे? पहले आप ठीक तो हो जाओ, पैसे भी आ जाएंगे। ये तो घर की बात है। जी ठीक है। डॉक्टर साहब बैठो। अरे एक बात तो बता, मेरे वाड़ी के लिए तो उस दिन तू करा 150 रुपए और अपने वाड़ी के लिए करा 1000। आओ जी। अरे भाई काके, कैसा आना हुआ? डॉक्टर साहब ये विकास है मेरा दोस्त, इसे महीना भर हो गया गाँव में आए हुए, ये दिल्ली नौकरी करता था 5-6 साल से, शक्ल देखो कमजोर और हो गया है। अब इसे शहर दिखाने की बात करें तो उन्होंने कहा मैं ठीक हूँ। अरे काके भाई मैं ठीक तो हूँ डॉक्टर साहब, मुझे कुछ नहीं हुआ। बैठिए आप। दिखा डॉक्टर साहब, जीभ दिखाइए, जीभ दिखाओ, बाहर निकालो, लंबी कर। काके भाई मैं भी कुछ दवाई दे देता हूँ और एक सिरप लिख देता हूँ, वो आप तुम मंगवा के दे, आराम लग जाएगा और मैं एक साथ के साथ एक इंजेक्शन भी लगा दूंगा, ठीक है? बहुत बड़े डॉक्टर हैं ये, मैं इनसे बड़ा डॉक्टर हूँ, दिक्कत ना मानना। चलो भीतर आइए, भीतर आओ, यहीं लेटो। लेटो। मैं कुछ दवाई दे देता हूँ, ठीक है? जी। आजा बेटे। चल खड़ा हो। घबरा मत। लो बाप। अच्छा डॉक्टर साहब धन्यवाद जी।
अरे पैसे तो ले ही ना खरा तुम्हारा। अरे अरे एक बात तो बता, प्रधान जी ने हमारी थोड़ा काम करवाया के दुकान दुआई घर दुआया, पैसे कहीं भागे जा रहे हैं? पैसे भी आ जाओगे और भी सामान है कुछ। देखा तुमने क्या? मुझे दोनों डॉक्टर नकली से लगे हैं। नकली छोड़, मुझे तो ये भगोड़े से लगे हैं। भगोड़े क्यों? ऐसा लगा है जैसे घर वालों ने पीट पाट के बाहर भेज रखे हों। जैसे भी हो पर हैं दोनों मस्त। ए भगवान। कुछ भी। हाँ बेटा, गुंडागर्दी तो आजकल बढ़ी रही है। लोगों के पास काम तो कुछ है ना, किसी भैंस खोल लें, किसका घुस ठा लें, किसी मोटर तार लें, और तो और जो सड़क पर नल लगे सरकारी उनकी हत्ती तार ले। मैं सही कह रहे पिताजी, इन्हीं कारनामों की वजह से ना हमें 24 घंटे ड्यूटी करनी पड़ रही, बहुत हालात खराब है। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। नमस्ते पिताजी। ये कौन है? यू दो डॉक्टर, ये दोनों तो रहने किराए पे। ये तो कहीं देखा देखा सा लग रहा मुझे। हाँ देख लिया होगा शहर में, पर याद नहीं आ रहा कहाँ देखा। साइकिल बन गया जुगार। क्या कर रहा भाई? खेल निकाल रहा हूँ। मेरी मोटरसाइकिल है यार। फिर मारे गांव में हरी है भारी है, के करेगा? अपने काम में दादागिरी दिखाओगा? के करेगा? के करूंगा? साले शराब पीनते और चोरनते मुझे सख्त नफरत है। तू मेरी मोटरसाइकिल में तो काट देगा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, मेरे पेट में बहुत जोर से दर्द है। डॉक्टर साहब दर्द हो रहा? कहाँ हो रहा दर्द? यहाँ हो रहा है। क्या करता हूँ? ओहो तेरी तो बहुत बड़ी समस्या आ गई, तेरी तो किडनी सड़क गई। डॉक्टर साहब इलाज करो कैसे भी। हाँ इलाज तो हो जाएगा, पर इलाज चलेगा लंबा, तो 3 भर्ती रहना पड़ेगा। डॉक्टर साहब पैसे की चिंता नहीं है, पापा की सरकारी नौकरी है। तो ठीक है, तो अंदर अंदर चलो। अंदर तो चल, कुछ साफ करके जाऊंगा। के सोच रहा, चल अंदर करूं इलाज शुरू। बेटे मोटी मुर्गी है। अंदर एक नशेड़ी है, उसका बाप है सरकारी नौकर, मोटी पार्टी है, पेट में दर्द था, मन्ने मोटी बीमारी बता के भर्ती कर दिया साला। अरे सर दवाई दे और चलता ही रहता है। ऐसी बात क्यों करे, ये तो पैसे कमाने का मौका। अरे हमें ना ऐसे पैसे की जरूरत, उसे तो दवाई दे और चलता ही रहता है, और नहीं तो नहीं तो नहीं तो के मैं भगा उसे। उनके भगाओगे, मैं ही भगाऊ उसे। आजा भाई। ले भाई जी, एक खुराक तो दे दी जी, और एक यू ले लिए जी, और शाम तक तुझे आराम आ जाएगा। ना आया तो अपने बाप को लेके आ जाइए, पैसे लेके आ जाइए, फिर देखेंगे। जा ये ले। आराम पड़ जाएगा? हाँ पक्का पक्का पड़ेगा। ठीक है जी। पता ना यार बहादुर, तू कहाँ था पकड़ा है ना सैडी, इनते दूर रहकर दूर। यार तू हमें कुछ खान का मान नहीं दे। यो यहाँ क्या कर रहा?
क्या हुआ? पैर मुड़ गया। अच्छा चलो खड़े हो, मैं तुम्हें कमरे तक छोड़ देता हूँ। आओ, आराम से, आराम से, आराम से, आराम से। चलो चलो पैर रखो, पैर रखो। चल सकते हो या नहीं? तुम्हारे रुक तक मैं छोड़ करता हूँ, आराम से, एक सेकंड। आइए पार्टी लेने गई थी, वहां मुड़ गया। आप अभी आराम करो, मैं आपके लिए मरहम लेके आता हूँ, आप उस पे लगा लेना, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तेरा दौरा दिख है? तू पागल है क्या? दर्द हो रहा मेरे। तेरी दिक्कत देख के डॉक्टर साहब भी परेशान हो रहे थे। चुप रह, ऐसी कोई बात ना है। फिर कैसी बात है? तेरा दिमाग खराब है क्या? एक तो मेरे चोट लग रही, ऊपर से तुझे मजाक सूझ रही। लो आप ये क्रीम इनके पैर पर लगा दो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ठीक है, कितने की हो? पैसे भी बता देंगे, फिलहाल आप इनकी देखभाल करो। ठीक है, मैं अब चलता हूँ। आराम से कर। अरे भाई दवाई किसे दे आया? अरे वाह, वाणी बाहर घूम रही थी, उसके पैर में मोच आ गई। तू बाहर क्या कर रहा था भाई? अरे वो फोन में पढ़ाई कर लग रहा था। कैसे दिए दवाई किसने? राजा के पैसे भी। बेटे जिस तरह से दुकान की लुटाई कर रहा ना, जल्दी पता लग जाएगा तुझे। अरे ऐसा ना है, तू है पागल। हाँ बेटे मुझे पता, तू तो लग लिया, पर मैं कौन सा पीछे हूं, मैं भी सेटिंग करूंगा। यस। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। आज आपका क्लिनिक में पहला दिन है जी। डॉक्टर राजन ने आपका इंटरव्यू लिया, कुछ सवाल मैं भी पूछूंगा जी। पूछ लो आप। इससे पहले आपने काम कहाँ किया? पार्लर में, और सिलाई भी आती है, पर नर्स वाला कोई काम नहीं आता मुझे। उससे कोई चिंता नहीं है, उसे तो मैं खुद सिखा दूंगा। बच्चे कितने? बच्चे शादी नहीं हुई है मेरी। हाँ मेरी भी नहीं हुई है, मेरी भी नहीं। खाना बनाना आता है? खाना बनाने के पैसे अलग से लूंगी मैं। अगर सेटिंग बैठ गई ना तो खाना तो फिर नहीं बनाओगी क्या? नहीं नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। अच्छा हमें काम क्या करना पड़ेगा? काम? काम भी जो मैं बोलूंगा वही करना है। मतलब? मेरा मतलब डॉक्टर और मरीज की सेवा करना है।
जी ठीक। आधा घंटा हो लिया, अब तो चाय ना मिली, हमें जाने की देर हो रही है। ला रही हूँ, बनाने लग रही। ला रही हूँ, घनी बार होली। अरे भाई, एक बात बता, ये बापू सबके एक जैसे क्यों? क्यों की बात होगी? अरे यार, बुढ़िया तल के तरह औलाद को पीटने को हो रहा, छोरा हो तो देखी जा, ये तो छोरी को मेरा छोड़ रहा है यार। हाँ, बुढ़िया है एक नंबर का। ला, एक घंटा लगा दिया। इस बात चीनी भी ना है, रस्ते भी लो कहीं और। जी, अब पैर कैसा है आपका? जी पहले से ठीक है। बे बापू, तो मारा भी खाने की दौड़ आया हूं, तो मैं क्या कर फिर? तू कर भी क्या सके? ए भाई, मुझे तो ऐसा लगा तेरी सेटिंग होगी दिखे। तू बावड़ा होगा के? तू एक बात बता है? तुझे सेटिंग के अलावा कुछ दिखे ना दिखता? हाँ तेरी तो होगी ना, अब तुझे मेरा दुख कहाँ दिखाई देगा? अरे भाई ऐसी बात ना है, तो बिना बात मेरे जुम्मे हो रहा है यार। अच्छा बेटे, अब मैं तुझे जुम्मे होता दिखाई देने लगा? तू एक बात बता, तू यहाँ पैसे कमाना आया है या ब्याह करवाना आया है? भाई बात सुन, आया तो मैं पैसे कमाना ही हूँ, पर लगे हाथ तो ब्याह हो जाए तो इसमें हर्जी के है। तेरा कुछ नहीं हो सकता। अरे ससुरा कुछ ना हो तो जान दे, ब्याह हो जाएगा वही बतेरा। डॉक्टर साहब। अरे भाई काके, के बात होगी, कैसा आप रहा? प्रधान जी की शक्ति में बहुत तेज दर्द हो रहा। अरे तो तू अकेला क्यों आया, उसे साथ लेके क्यों आया? नहीं भी आने की हालत में नहीं, आप चलो। चलो तो हम चल रहे हैं, चलो। यार बापू से पूछू या ना पूछू, मुझे तो गैस लग रही है। बापू की गैस ही बताऊंगा, इतना तो मैं भी जानू। मर गया मैं तो। देख भाई, इन्हें बन रही है गैस घनी, एक इंजेक्शन लगा देते हैं हम, आराम इन्हें शाम तक आ जाएगा, पर इनका इलाज लंबा चलेगा, क्योंकि इनके ज्यादा गैस बनना ठीक नहीं है। पता ना आज ये कंपाउंडर के करके छोड़ देगा, मुझे लग रहा है इस प्रधान को मार के छोड़ देगा। परे को जाओ, परे को। मार दिया, अरे डॉक्टर मार दिया, मार दिया डॉक्टर। दवाई दिखाओ।
मार दिया डॉक्टर गणा दो। ऐसा है दवाई लिख देते हैं, दुकान पर से आकर ले लेना और एक गोली इसे खाली पेट लो सुबह और एक गोली शाम को खाना खाने के बाद देनी है जी। एक बात और, ऐसे गैस में आदमी कभी कभी फट भी सकता है। चलो जाओ। अरे मर गया मैं तो, अरे मर गया, क्या कह गया डॉक्टर, जल्दी ठीक हो जाओगे आप। दर्द घना हो रहा भाई, यू मारा रह गया था। अच्छा देख, यहाँ पथवारे में लगी पड़ी है, मैं सारे गांव में गुड़ देख लिया। अरे भूख लग रही, रोटी घाल दे, आ जा। तुम तो सवेरे तेरा मम्मी मगाए थे, वहाँ ना खा का है। अरे मेरा ना दिमाग काम कर रहा, आज छोरे के चक्कर में वहाँ तेरा मम्मी भी कल की, मैं आज जा लिया वहां से। चल दिल्ली ना हो, चल। चल यहाँ तमस्या ना करे काम में, तारी वजह से गांव निकल गए। तुम कभी भी उससे सोलह मात बात ना कर रहे। मैं 50,000 रुपए दे दिया उन मैंने, कह दी उनके 3 महीने में मुझे 1,00,000 रुपए चाहिए। उन 1,00,000 रुपए के चक्कर में फिर रहा धक्के खाता, पता नहीं क्या क्या सोच रहा होगा अपने दिमाग में। तारी वजह से गया नहीं जाता ना, एक बालक मारे तुमने उसका जीड़ा आराम कर रखा। कहेंगे दिंगे हो गया ना, इस जायदाद को भी सिर पर धरो ना जी, और सब कुछ हो गया ना, मैं तो बचो ना हूं। सॉरी, मैंने आपको देखा नहीं। कोई बात नहीं, वैसे आ जाओ मंदिर में। हाँ, मैं तो हर सोमवार को जल चढ़ाना हूँ। क्यों, आपकी शादी नहीं हो रही क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो मैं भोलेनाथ का बहुत बड़ा पुजारी हूँ। शादी का क्या, शादी तो हो ही जाओगी। अच्छा, तो आप यहाँ शादी करवाने के लिए आओ? नहीं, सोमवार को जल चढ़ाने से मन में शांति रहती है। क्यों, मन अशांत चल रहा के? अरे नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। आप एक काम करो, बैठो और मैं पूजा करके आई। ठीक है। आइए बैठिए।
एक बात कहूँ? आपके आने से हमारे गांव वालों को बहुत फायदा हुआ है, बहुत सस्ते में बहुत अच्छा इलाज मिल रहा है। अच्छा जी, हम तो सस्ते में पब्लिक का इलाज कर रहे दिखे हैं, रेट बढ़ाने पड़ेंगे हमें भी। अरे डॉक्टर साहब, क्या सोचने लगे? जी कुछ नहीं, हम तो जो एक डॉक्टर का काम होता है बस वही करते हैं। एक बात तो है, अगर आप लोग इस गांव में नहीं होते तो कई लोगों की जान जा चुकी होती। आपके इलाज से बहुत लोग ठीक हुए हैं। और आपको याद है वो एक आदमी था ना जिसके जिसका हाथ कट गया था, वो भी अब ठीक है। अगर उसे शहर ले जाया गया होता तो पता नहीं क्या होता। देखिए जो होता है अच्छे के लिए होता। अच्छा वो छोड़ो, आप ये बताओ आपको हमारे घर में रहने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना जरूर। हाँ जी बिल्कुल बताएंगे, आखिर मालिक हैं आप। चलिए अब चलते हैं। ए भाई बहादुर, तू नू बता तेना प्रधान है कौन सी बीमारी का इंजेक्शन लगाया? अरे यार कुछ समझ में ही ना आ रहा था, फिर मैंने सोचा गैस बन रही होगी, मैंने गैस का इंजेक्शन ठोक दिया। अरे वो तो मैंने देखा था ना, गैस का इंजेक्शन लगा दिया, पर इससे कोई दिक्कत तो ना होने की? अरे तू चिंता मत कर, कुछ दिक्कत ना आने की है, और कुछ होगी तो देख लेंगे। अरे यार तू फंसा मत दे कहीं। वो कुछ नहीं करूंगे। बहुत इस बालक से भी, अरे आपकी हो गया इसका? छत पर पतंग उड़ रहा था, नीचे गिर गया। इसका तो चोट भी घनी लग रही है, सिर फूटा पड़ा, इसका तो टाके भी लगेंगे। चोट ना, खून बहुत बह गया, इसका खून भी चढ़ाना पड़ेगा। चढ़ा दो। हाँ यहाँ के खून दरिया, जल्दी से 5,000 रुपए जमा कर दो, बाकी छुट्टी के बाद। डॉक्टर साहब हाँ जी, देखो इसे। हाँ आओ आओ, जल्दी आओ, चलो 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 चलो, बहुत सीरियस केस है। देखो खून जल्दी लाना पड़ेगा, जल्दी चढ़ाना पड़ेगा। आपके यहाँ कोई मोटरसाइकिल हो तो ले आओ, इतने में टाके लगा देता हूँ। साहब गांव में से मांगनी पड़ेगी, हमारे तो मोटरसाइकिल है नहीं। हाँ तो जल्दी भाई। लगा दे टाके। हाँ बहुत सीरियस केस है, खून चढ़ाना ही पड़ेगा। तो एक काम कर, तू जाकर खून लिया, पर आइए जल्दी, कभी मैं अकेला बैठा रहूं और मस्तु की टैं बोल जा। कहाँ रह गया यू? तीन बज लिए, पता ना कहाँ मरा है। लिया खून? हाँ ले आया। इसका बाप कहाँ है? अरे मेरे तो कह गया आप पिशाब कराने जा रहा हूँ, अब लो आया। आ तो देख खून चढ़ाऊ। अब मिस्त्री और मेरा मतलब डॉक्टर साहब, ऐसे चढ़ाए देख खून। अरे डॉक्टर तू एक बात बता, तने खून की बोतल पूरी पूरी एकदम चढ़ा दी, इतनी जल्दी तो मोटरसाइकिल में मोबिलाल भी ना गिरता है। मेरा हर काम में हाथ तेज ही चले, ऐसी कर दूं मैं। चल मैं देख लूं कोई और ग्राहक तो ना रहा।
चढ़ा दिया खून? खून तो चढ़ा लग रहा, पर आप कहाँ गए थे? मैं खेत पर नक्के बम में गया था। अच्छा, लड़के का सिर फूट रहा तो आप देखना चाहिए, आप कहो। लो भाई डॉक्टर साहब, आ गए इसका बापू, खेत में जा रहा था। लो कर लियो बात, लौंडा यहाँ खुला पड़ा, लाट साहब खेत में घूम रहा। डॉक्टर साहब आप तो थे यहाँ। थे भी? कोई बात नहीं, चल अब तो इसे नशे का इंजेक्शन दे दिया है, शाम को छुट्टी हो जाएगी। तेरा शाम तक कोई और काम हो ना तो उसे भी निमटा ले जाके, हम है ना यहाँ, जा। ठीक। इस मस्तू के चक्कर में तो आज रोटी बिना खाई गई, चल मैं घर से रोटी ले हूँ। हाँ ले यार, भूख भी बहुत लग रही है। ये अच्छा लग रहा है ना? अच्छा नेहा, एक बात बता, तुझे वे दोनों मस्त कैसे लगे? देखा नहीं था कैसे बच्चों की तरह लड़ रहे थे? यार बच्चों की तरह भले ही लड़ रहे हो, पर अजन है बहुत दिल का साफ। बड़ा डरपोक सा, हमें देख के तो ऐसे भागे जैसे से पाड़ के खा जाएंगे हम। तो चल, वो सही इंसान है। चल आज समझ लेंगे, इसका टेस्ट भी हो जाएगा और नूप पता लग जाएगा, ये सही इंसान है और गुना। जरूरी है ऐसा करना? हाँ बिल्कुल। क्यों? मेरी मर्जी। चल ठीक है, ले ले आज इसका टेस्ट, देखते हैं क्या होता है। देख मैं तो अंदर चली जा रही हूँ, तू उठ के चलिए और गिर जाइए और जोर से चिल्लाइए, फिर देखेंगे क्या करेगा। ठीक है। क्या हुआ? चोट लग गई। बहुत जोर से दर्द हो रहा है। आप खड़े हो। वैद जी, तुम यहाँ स्टैम के बात होगी? जी वो रोटी लेना आया था। तो ले ली रोटी? हाँ जी। तो जा फिर। ठड़की कहीं का, परे को देख ले, जब से मुझे ही घूरे जा रहा है। हे भगवान, तेरी भी लीला अपरंपार है, तने कैसी सोनी सोनी तस्वीर बना रखी है। हे भगवान, तू इससे मेरा ब्याह करवा दे तो मैं ये एहसान तेरा पूरी जिंदगी नहीं भूल लूं। रोजी जी। सर यहाँ बैठो जी। रोजी, ये जो तल करने इंजेक्शन लगाया था, ये तो तेरी जिंदगी का पहला इंजेक्शन था, क्या डर नहीं लगा? नहीं सर, आप इतना बढ़िया सिखाते हो कि मुझे डर नहीं लगा बिल्कुल भी। सिखा तो मैं बढ़िया ही दूं, पर कोई सीखने वाला हो जब भी तो सिखाऊं। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं सर, वो मैं सोच रही थी ना कि
कि मैं ऐसी सीखती रही तो एक दिन बहुत बड़ी डॉक्टर बन जाऊंगी। रोजी, मेरे पास एक तरीका है बड़ा डॉक्टर बनने का। क्या है? तू मेरे से ब्याह कर ले। ठीक है तो कह रहा हूँ मैं, मुझे तू बहुत अच्छी लगे। तूने डॉक्टर की यार मजाक तो करवा दी, कहीं उसे बुरा ना लग गया हो। देख मेरा काम था सलाह देने का, अगर तू जाने तेरा काम जाने। तो मजाक करण की तन्ने गई थी तो तने भागते टाइम उसका चेहरा ना देखा के? चेहरा तो सही था पर अब पता कैसे करें? ज्यादा जल्दी हो रही है तो अभी आया ना होगा वो क्लिनिक पैसे, जाके वही पूछिया। तू कभी सुधा सुधा जवाब ना दे सकती? तो थोड़ी देर में घर आ जाएगा जब बात कर लिए। एक काम करेंगे, उसके लिए उसकी पसंद की कोई बढ़िया सी चीज बनाऊंगे, और उसने वो ले ली तो ठीक है, नहीं तो फिर नाराज है। मैंने सुनी है डॉक्टर को मीट सीट बहुत पसंद हो, वो बना दिया उसके लिए। चुप रह तू, मैं बनाऊंगी उसके लिए मटर पनीर। शुक्र है तुमने अपने दिमाग चलाया तो सही। आज पहली बार कोई मैकेनिक वाला काम करा पर वो भी सफल होगा। वैसे मैं डॉक्टर हूं। डॉक्टर साहब बाल्टी तो पूरी भर लेते, बस दो ग्लास पानी के लिए लाए थे इतनी बड़ी बाल्टी, हैं? राजा यार कहाँ रह गया? आज तो वैसे क्लिनिक जाने को देर हो रही है, रोजी आ गई होगी। आजा रोजी आ गई होगी हैं? वन आने की अब उसको टाल कर दी मैंने रात फोन करके। अरे क्यों रे? तेरे कर्मों की वजह से न्यू। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते 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 जी। डॉक्टर साहब वो आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ जी बताइए। बहादुर तू एक काम कर, तू क्लिनिक पे चल, मैं आ लिया। अच्छा बेटे अपनी सेटिंग तो कर ली और मेरे वाली भगा दी, पर मैं भी कौन सा कम हूँ, मैंने तो सेटिंग करी रखी है। फिर आओगी धार ले लियो। वो कल के लिए सॉरी जो आपके साथ मजाक किया था। अरे नहीं 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 सॉरी कोई जरूरत नहीं। ये मटर पनीर आपके लिए बनाया है। मटर पनीर तो मुझे बहुत पसंद है पर मटर पनीर मेरे लिए बनाया यह बात समझ में नहीं आई। वो मैं दोपहर को पुलिया वाले बाग में मिलकर बताऊंगी, आप आना जरूर। जी वो मुझे तो क्लिनिक पे। मुझे कुछ नहीं पता, मैं आपका इंतजार करूंगी। यार मिस्त्री मेरा मतलब डॉक्टर, यार तुमने रोजी को ऐसे हटा के ना अच्छा ना करा, तो खजी सा लग रहा है यार। अब बैठे बैठे करो जय हनुमान जय हनुमान। अच्छा तो भेजो तेरे रोजी के घर ही। यार मैं तो उससे ब्याह करने वाला था। ब्याह तो नीचे करा के है तू, तो बताना किसी गल ब्याह कर ले तेरा क्या पता। पर तुझे एक बात बता रहा हूँ, वो रहो कहीं भी पर सेटिंग तो उससे मेरी हो ली। तू मान जाना काट दो तुझे किस दिन में, समझ गया? भाई सुन ले मिस्त्री मेरा मतलब डॉक्टर, अब वो रहो कहीं भी सेटिंग तो उससे मेरी हो ली। अभी तक नहीं आया, शायद क्लिनिक में काम ज्यादा होगा, थोड़ी देर और इंतजार करती हूँ। Thank you.
एक घंटा हो गया अभी तक नहीं आया, ये समझता क्या आपने आपको? एक सुंदर लड़की बगीचे में उसे बुला रही है और वो पूछ रहा है कि क्यों आऊं? ये सच में इतना बेवकूफ है क्या? बेवकूफ होने का नाटक कर रहा है। अभी घर चलती हूँ और तभी से बताती हूँ। हाँ जी बताइए, क्या कहना चाह रहे थे आप? हे भगवान, कितना बड़ा बुद्धू है ये, इसे एक सुंदर लड़की अकेले में मिलने के लिए बुला रही है, क्या समझाऊं इसे? हाँ जी बताया नहीं आपने? इस बगीचे में ना बहुत सारे पत्ते बिखरे हुए हैं और घास भी बहुत हो रखी है, तो इस सारी गंदगी की ना सफाई करनी थी, और ये जो पेड़ है ना इनको दवाई देनी है क्योंकि इन्हें जुकाम खांसी हुआ है। पेड़ों को जुकाम खांसी? ये तो मैंने पहली बार सुना। क्यों, हमारे यहाँ के पेड़ तो सुबह सुबह घूमने भी जाते हैं और पता है कभी कभी तो छुपते भी हैं और कभी कभी पानी बिना लिए ही भाग जाते हैं। अच्छा, तो तुम मेरे बारे में कह रही हो? मैं देर से आया, उसके लिए माफी चाहता हूँ। क्लिनिक पे बहुत सारे लोग आ गए थे, जब फ्री हुआ तो वहाँ से निकला। अच्छा छोड़ो, ये बताओ आप हो कहाँ से? मैं तो बैठा था हूँ, हमारा गांव बहुत सोना, चलेगी हमारे गांव में? मैं तो हमेशा के लिए जाना चाहती हूँ, तुम कहो तो सही। बताया नहीं आपने? अच्छे बताइए, कल आप कहीं जा रहे हैं? कल मुझे बहुत जरूरी पढ़ाई करनी है और हाँ, मुझे इंटरनेट से कुछ बहुत जरूरी नोट्स भी निकालने हैं। अच्छा, वो मैं ये कह रही थी कि हमारे घर पे ना सही से नेट नहीं चलता, तो हमारे घर से थोड़ी सी दूरी पे ना एक बहुत सुंदर बाग है और पता है वहाँ के जो पेड़ है ना उनको जुकाम खांसी भी नहीं हुआ है, तो मैं ये सोच रही थी कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ और आपकी मदद भी कर दूंगी। ठीक है, तो अभी चलते हैं। चलिए। भाई वाह, बाग तो बड़ा बढ़िया आयो। सही कह रही थी वाणी, वहां बैठ। वो बैठा पढ़ाई कर रहा है, आज तो इससे उगलवा के रहूंगी मुझसे प्यार करता है या नहीं। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते जी, आ गए आप, आइए बैठिए। कितना पढ़ेला बन रहा, चाहे स्कूल में रोज पिटता हो, अभी से कैसे बात करूं? एक काम करती हूँ, हाय अगर अपनी बात करी तो कहीं नाराज ना हो जाए, इसके दोस्त की बात करती हूँ। वो आपका जो दोस्त है बहादुर, वो इतना लड़ता क्यों है? बहादुर? बहादुर का तो स्वभाव ही ऐसा है, लड़ता ना वो किसी तरह, दिल का बहुत अच्छा है वो। अच्छा एक बात बताओ, आपकी कोई गर्लफ्रेंड है क्या? गर्लफ्रेंड? मुझे आज तक कोई पसंद ही ना आई। क्यों, कैसी लड़की चाहिए आपको? लड़की सुंदर हो, पढ़ी लिखी हो, माँ बाप की सेवा करती हो। ये सारी खूबियाँ तो मुझ में है, ये समझ क्यों नहीं रहा? जा इतना कुछ क्यों पूछना चाह रही है मेरे बारे में, तो पूछना पड़ेगा। आप इतना सब क्यों जानना चाहते हो मेरे बारे में? शादी करनी है, मेरा मतलब वो हे भगवान, मैंने बोल तो दिया है, पता नहीं क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में। आपने जो कहा क्या वो सच है?
प्यार तो मैं भी आपसे करता था लेकिन कहने में हमेशा डरता था, कहीं आप नाराज ना हो जाओ। आप हमारे मकान मालिक हैं और एक लड़की भी, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी लड़की की बदनामी हो। मुझे तो आपसे शादी करनी है, तो फिर बदनामी कैसी? अभी तो प्यार हुआ है, शादी भी हो जाएगी, उससे पहले मुझे अपने बारे में तुम्हें बहुत कुछ बताना। राजन, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं जानना। बार हो गया सच्चा सच्चा रमन प्यार।